वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड क्यों बोलेंगे? वेलकम टू नानीज हाउस। नानी हाउस, नानी हाउस। गन्नू किसकी नानी हाउस है? ये दादी का। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आवाज़ नहीं निकल रही है। प्लीज़ समझने की कोशिश करना तो आपको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल मैं हूँ अपनी नानी सास के घर और यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। अभी लगभग 6 बज चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के नज़ारे। देखो, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा पहाड़ और वहाँ की चोटियों पे आपको दिख रही होगी धूप, क्योंकि सूरज नारायण मेरे सामने से निकल रहे और वहाँ से निकलती हुई किरण मेरे पीछे वाले पहाड़ के ऊपर गिर रही है और वहाँ पहाड़ पे सूरज जी उजाला कर चुके हैं। देखिए, इसको बोलते गुड मॉर्निंग, तो पहाड़ों वाली गुड मॉर्निंग आज। मेरे मुंह कैसे सूज रहा है। और एक और स्पेशल चीज है, यहाँ सिर्फ पहाड़ी नहीं है, यहाँ है गंगा जी जो कि ऊपर से निकलती हुई बहती हुई जा रही है यहाँ से, और फिर ऋषिकेश हरिद्वार जाके मिलेंगी। तो मैं यहाँ से छोटे से दर्शन नहीं कराऊंगी गंगा जी के, पूरे अच्छे वाले दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे गंगा जी को गंगा जी नहीं बोलते, यहाँ पे नदी ही बोलते हैं, क्योंकि ये अभी ऊपर से आ रही हैं। जब ये दोनों दो नदियाँ जब मिलती हैं, नाम नहीं पता, मैं कंफर्म करूँगी ब्लॉग के एंड में ज़रूर, जब वो दो नदियाँ मिलती हैं तब मिलने के बाद वो गंगा जी बनती हैं। तो अभी ये सिर्फ नदी हैं और सारी डिटेल बता देती हूँ, बता दूँगी ब्लॉग में। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं वहाँ और वहाँ के नज़ारे भी दिखाऊँगी मैं आपको। अभी रजन सो रहे हैं, उसको बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं डैडी की नानी हाउस जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे स्विमिंग करूँगा। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं, एक बार वो उठ जाए तो उसको भी लेके चलें ताकि उसको भी थोड़ा फील आ जाए कि गांव क्या होता है। बेसिकली अब गांव जैसा कुछ रहा नहीं। मैं जहाँ पर हूँ, ये घर पूरा पूरा कंस्ट्रक्टेड है, पूरा पूरा कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ गाँव जैसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल जो प्योरिटी, जो यू नो फ्रेशनेस गांव की होती है, वो अभी भी इंटेक्ट है। हाँ, दो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं यहाँ पे, क्योंकि राफ्टिंग और कैंपिंग वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। मतलब यू वोंट बिलीव कि हम बहुत ऊपर हैं नीलकंठ और ऋषिकेश से, बट स्टिल ऋषिकेश से लेकर यहाँ तक पूरे राफ्ट्स वाले पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। यहाँ पर सारे ही कैंप्स लगे हैं, ये सारे कैंप्स हैं यहाँ पर, ये ब्रिज है ये वाला। तो रात को ना वो प्योरिटी रही नहीं है, बिकॉज म्यूज़िक डीजे दो शायद यहाँ का गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में भी जो है वो मेरी मामी सास हैं, जिनकी शादी में यहाँ आई हूँ, जिनकी बेटी की शादी में यहाँ आई हूँ, आई थी, बेसिकली शादी हो चुकी है। तो थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे ताकि गांव का प्योरिटी, जो गांव की यू नो एक लाइफस्टाइल है, उसको कोई डैमेज ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चीज़ें ली जा रही हैं, स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वॉल्यूम्स अभी रात के डीजे की वॉल्यूम कम हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मैं भी अभी रात भर बैठ के बात की है मामी से या अपने देवर वगैरह से। तो अभी तक तो यही चीज़ें पता चली, बट स्टिल यहाँ पर आते ही अपने आप को ऐसा लगता है ना कि जन्नत में आ गया। आई रियली विश कि काश काश मेरा घर यहाँ हो, रोज़ सुबह उठूँ, इतना सुंदर सूरज उगता हुआ मैं देखूँ, मेरे पीछे से सूरज जी उग रहे हैं, यहाँ से यहाँ सूरज उदय हो रहा है और यहाँ की सीधी किरण ऐसे करके ये वाले पहाड़ पर आ रही है। ओ गॉड, इतना सुंदर है। मैं चाहूँ ना यहाँ बैठ के घंटों इन सब चीज़ों को देख सकती हूँ। और यहाँ ऊपर पहाड़ पे वहाँ पे एक मंदिर भी है, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है, मैं बाहर कैमरे से फोकस करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो
व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, एक सुंदर से व्लॉग को, रिफ्रेशिंग से व्लॉग को, है ना। चलो लेट्स कंटिन्यू विद मी। ये है वो मंदिर, यहाँ पर और यहाँ से सूरज नारायण जी निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सूरज जी। रुद्राक्ष भी उठेंगे और उनको सूरज जी जैसे सबसे पहले दिखेंगे वो उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ये ऐसा सूरज है जो मैं पेंटिंग्स या सीनरी बनाती हूँ, बनाते हैं लोग यूजुअली, तो ऐसे पहाड़ बनाएंगे और उनके बीच में से हाफ सर्कल देंगे और फिर उसको सूरज को उदय करेंगे। सेम वैसे सूरज उदय हो रहे हैं। उसकी भी आवाज निकल रही भाई, सबकी आवाज बंद हो गई। ये मेरी माँ की सास के खेत, क्या होगा ये पता नहीं, मानो बता कर क्यों बताऊंगी, तो कुछ कुछ तो उगा रखा है। ये आगे सूरज आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सूरज जी। और ये है मेरी एक और मामी सास का ऑफिस, जिनकी बेटी की शादी में आया। सॉरी मैं ये नहीं दिखा सकती हूँ, पर हो सकेगा तो दिखा भी दूंगी, पहले मैं बात करूंगी। ऑफिस के सामने है ये भी। सी डैडी वेयर आर यू गोइंग, से हाय। आशु ये किसका डॉगी है? ओ माय गॉड, आवाज देखो पानी की कितनी सुंदर है, हैं? काटना नहीं तो मेरे को। ओ भाई साहब, पानी कितना साफ है देखो, हैं? एकदम क्रिस्टल क्लियर है नीचे के। नाना अभी डैडी टॉवल लेने जाना है। अच्छा सुनो, पहले सूरज जी को जय कर लो। यही नदी है जो गंगा जी बोलते हैं आगे जाके। ऐसी बहुत सारी सबस्ट्रीट नदी होती है, सब लास्ट में मिलती है गंगा जी। जो पास दो मेन नदी आती है, अलकनंदा आती है, वो आती है बद्रीनाथ से। अलकनंदा जो भगीरथी है वो आती है गंगोत्री से, केदारनाथ से। अच्छा, ये दोनों का संगम होता है यहाँ पे देवप्रयाग में। देवप्रयाग वहाँ से गंगा जी बनती है। अच्छा, जब वो दोनों नदियाँ मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद जब वो एक बन के चलती है तब वो गंगा जी होती है। अच्छा, तो ऐसी उन्हीं में जाके मिलती होंगी। अच्छा, तो आप लोगों को पता चल गया डिटेल में। शेनू कैसा है वॉटर? अच्छा है। यहाँ पे जितने ये कैंप्स और टूरिस्ट वालों ने किए है ना, ये देखिए आप पूरे यहाँ ट्रैक पे सब में इन्होंने गन फैला रखा है। यार आप लोग प्लीज़ ऐसी जगह जाते हो आते हो तो प्लीज़ ये सब मत किया करो। आप जिस ना भारी सामान उठा के ला सकते हो तो वो खाली होने के बाद आप उसको हल्का फुल्का हो जाते हो वो भी लेके जा सकते हो। इस तरीके से फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज आप आके ये क्लीननेस, ये नेचुरलिटी आप इन्जॉय कर रहे हो, 5 साल 10 साल बाद इसी को आप खुद बर्बाद कर दोगे, फिर बोलोगे यहाँ क्या हो रहा है। आप लोग खुद करते हो, प्लीज़ ये सब मत फैलाओ। यहाँ की अथॉरिटीज़ को बहुत मेहनत लगती है और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ के लोकल्स हम लोग हैं, कितना प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। सब गाय होती है हम लोग की जो ऐसे ही छोड़ देते हैं, खांती है वो, उन सब के मुँह में जाता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब एक्सप्लेन करने वाली बातें नहीं है, बट स्टिल रिक्वेस्ट है आप लोग ऐसी जगह जाए तो प्लीज़ ये सब मत किया कीजिए। जितना भारी आप कोल्ड ड्रिंक्स
अल्कोहल उठा के ला सकते हैं उतना तो वो खाली होने के बाद हल्का हो जाता है, जिसको आप लेके जा सकते हैं इजीली। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये सब मत कीजिएगा। ज़्यादा ज्ञान हो गया ना, बट ये ज्ञान ज़रूरी है ना। अंशु, रुद्रांश, रुद्रांश, अच्छा नंगू पंगू हो गया। ओए नारो यहीं पे और नारो मुझे जिसे नाना अच्छा बढ़िया होगा। हाँ लाओ दो ननू, हर हर गंगे और हो गए नंगे। शोमा हर हर गंगे, ये देख ये देखो। अनु आज तो यहाँ पे मच्छी नहीं है, पता है यहाँ पे मच्छी भी होती है, छोटी छोटी फिशी। देख कितना सुंदर पानी लग रहा है नीलू, देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके कैसे तैला छोरा। जैसे डैडी खड़े हुए ना ऐसे खड़े हो जाओ, डैडी पकड़े हुए हैं आपको। ये हर हर गंगे, शोमू हर हर गंगे। क्या यार गन्नू, अब ना आने गन्नू डरी करना तो चलो फिर। हाँ हम आपके लिए तो आए। हर हर गंगे है ना डारी गले, हर हर गंगे। आहा अभी भी ठंड लग रही है आपको? सोमा 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 का हैशटैग है। सोमा आपका हैशटैग किसने बनाया? ये शर्मी किसने बनाया? किसने बनाया? दादी ने। दादी यहाँ आने के बाद घर जाने का मन ही नहीं होता। लास्ट टाइम जो हम लोग यहाँ आए थे तो हम लोग खाना बना के यहीं ले आए, तो उस टाइम पे मेरे ब्रदर्स भी थे, मेरा देवर भी था, मामा ससुर भी थे, और तब यहीं बैठ के हम लोगों ने इंजॉय किया था। घंटों बैठे रहे थे, रात हो गई थी, हम लोग आए थे शायद 3-4 बजे और रात को पता नहीं कितने बजे गए थे, बट अंधेरा हो चुका था। बहुत यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता, पता नहीं। काश 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 आई विश एक दिन हो कि यहीं पे हम एक अपना घर बना लें, या फिर शायद लाइफ का जो रिटायरमेंट लें तो यहीं आके शिफ्ट हो जाए। ऐसा ऐसा मेरी चाहत है या इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन नहीं मतलब लाइक इच्छा है। गनु दादा तैर रहे हैं, बाय दादी बाय। नीलू रियली आप यहाँ बैठे थे, यहाँ से वहां पहुंच गए। आ गया मजा नानी के घर, नानी हाउस आए हो आप, गन्नू की नानी टाइप्स। आए हाय आए हाय, कोई तो रोक लो। हाँ गंजे और टकले गंजू बाल तो है नहीं, एहसास तो ले लूं है। मुझे भी आना दे नदी में। नीलू मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मेरे को पर हाथ पकड़ के जाना, मैं गिर गिरा जाऊंगी, फल तो मेरे चोट पोट लग जाएगी मुझे। सुनो फोन पकड़ाती हूँ आज इसको, ये क्या कहते हैं कैमरा पकड़ाती हूँ उसको, आशु को, आप मुझे लेके चलो या मैं आशु के साथ जाऊं। yes,
आशु चल चल नहीं चल ये क्या कर रहे हैं लोग जाएगा सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम सूर्य देगा आराम से आना है बैठ बैठ के आओ आराम से बनी थी भयंकर वाली मिठाई लग रही मामी बस ये हो गया मामी बस 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 अरे वो हो तो गया उतना ही बहुत होता है नहीं रुको ना 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 बस 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 नील को दे देना सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा मेरा छोटा सा नानी सास के गांव का व्लॉग ये मेरे लिए स्पेशल रहेगा और आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द लाइक बटन और फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं मेरी सॉरी हमारी कुलदेवी के यहाँ जो कि है भुवनेश्वरी जी तो वहाँ के लिए हम लोग निकल चुके हैं लेट्स सी अगर व्लॉग बनाने की पॉसिबिलिटीज रही तो मैं डेफिनेटली वो व्लॉग लाऊंगी और इसके बाद वाला व्लॉग वही होगा सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर वीडियोस बाय बाय टेक केयर विद माय नोट बी हैप्पी ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी एंड प्राउड टू बी इंडियन बाय बाय